कुछ कहना चाहेंगे? रोल मॉडल स्कैटर इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बच्चों को आज फेलोशिप किया जा रहा है आपके हाथों से, कितनी खुशी है और क्या मैसेज मिलेगा आने वाले दिनों में समाज को या ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम रखा गया, कितनी खुशी हो रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है कि छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा स्केटिंग करते हैं, मैं तो फिलहाल कभी ना कर पाऊँ एंड और वो भी एक रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, इट्स वेरी बिग थिंग और बिग अचीवमेंट है, और भी बच्चों को ये सब देखकर और करने का दिल चाहेगा ये सब चीज़ें, तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम यहाँ पर आए। ओके मैम, आपने देखा कि बच्चे किस तरह से स्केटिंग कर रहे थे और कुछ प्रभावित किया आपको, किसी बच्चे का ये आपको शेयर करना चाहेंगे स्केटिंग के बारे में? सभी अच्छे हैं। इसमें एक बच्चा ऐसा भी है जो आंखें बंद करके स्केटिंग करता है, उसके लिए उसने रिकॉर्ड बनाया, तो उसके लिए क्या शुभकामनाएं होंगी आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सबके अपने अलग अलग लेवल होता है करने का, तो इट्स वेरी नाइस। ऋषि जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कठिन परिश्रम के पीछे किसका कहाँ से प्रेरणा मिलती है, कैसे बल मिलता है और आज सपोर्ट के लिए आरसी मैम आई हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट थिंग टू रियली थैंक्स फॉर यू, यू कैन कम। स्केटिंग ऐसी चीज़ है कि काफ़ी सालों से चल रहा है इंडिया में और एक नया रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बनाने की हर टाइम आशा रहती है, और ये जो रिकॉर्ड्स मेरे बच्चे बनाते हैं इसके पीछे मेरे बच्चों का तो सपोर्ट रहता है और उनके पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहता है, और ये टीम वर्क होता है जिससे आज 22 दिसंबर को मेरे बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया बनाया था और उसके बाद इन्होंने इंडिया स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब हासिल किया है, लिम्का इनको मिल रहा है, तो काफ़ी खुशी है इस बारे में। और आरसी मैम आज सपोर्ट करने आपको आए हैं, क्या कुछ करना है? बहुत शुक्रिया एज ए स्पोर्ट्स पर्सन के स्केटिंग के लिए इन्होंने इतना एफर्ट डाला कि ये खुद आई, बच्चों को उन्होंने देखा, काफ़ी दिल को अच्छा लगा, दिल से बहुत शुक्रिया इनका। थैंक यू मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? संस्था के बैंड बॉक्स, अगर बैंड क्या बैकबोन कहा जाता है, सबसे पहले तो मैम को थैंक यू वेरी वेरी मच कि आप आए, हमारे बच्चों को सपोर्ट किया आपने और उनको आपके हाथों से ट्रॉफी सर्टिफिकेट मिलेगा, इस बात की हमें बहुत ही खुशी होगी। सर, संस्थापक क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सबको शुभकामनाएं। दूसरा, बच्चों, उनके पेरेंट्स और उनके टीचर, इन लोगों ने जो साथ मिलकर जो मेहनत किया उसका एक अच्छा परिणाम 22 दिसंबर को हमें देखने को मिला और उन लोगों ने ऐसा रिकॉर्ड किया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की कैटेगरी में आया है और उसके लिए कोशिश भी चालू है और हमें खुशी है कि आगे ये बच्चे और भी आगे मेहनत करके नया रिकॉर्ड बनाएंगे और इसको देखकर दूसरे बच्चे प्रोत्साहित होंगे। ऋषि जी, मेरा सवाल आपसे है, काफ़ी दिन तक आप चप्पल नहीं पहने थे, ऐसा क्या उपवास था जो चप्पल नहीं पहने, क्या कारण था, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये एक आस्था होती है जब हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं तो 1996 से एक परंपरा है कि मैं सारे बच्चों को सिद्धिविनायक टेंपल, महालक्ष्मी टेंपल और हजी अली दरगाह लेके जाता हूँ और उस दिन कुछ ऐसे मन में आया क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट रिकॉर्ड था मेरे लिए, बास्केटबॉल ड्रिबलिंग विद जिगजैग, तो मैंने कसम खाई थी कि 8 दिन तक जब तक ये रिकॉर्ड नहीं हो तब तक मैं अपने चप्पल नहीं पहनूंगा, जूते नहीं पहनूंगा और मैं जहाँ भी फंक्शन में जाता था, मेरे क्लासेस में जाता था, मैं बिना चप्पलों और जूते के जाता था और उस दिन जब मेरा रिकॉर्ड हो गया, मेरे बच्चों ने ये कर दिखाया तो काफ़ी खुशी हुई और उसी दिन मैंने अपने जूते पहने। आखिरी सवाल आरसी मैम, चलते चलते 26 जनवरी है आज, देशवासियों का बहुत बड़ा गणतंत्र दिवस है, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे आपकी ओर से पूरे देशवासियों को? मेरी तरफ से तो हमेशा से आप लोग पूरे देशवासियों को हमेशा शुभकामनाएं हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है मेरे लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त क्योंकि बचपन में वहाँ पर लड्डू मिलते थे, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी, सो अच्छा लगता है। ओके आज कहाँ कहाँ जाना हुआ, कैसे कैसे सेलिब्रेट किया 26 जनवरी? मेरे घर के बाहर ही इतना अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है कि मुझे कहीं जाने की, पहले मैं यहाँ पर आई हूँ, देन आई विल गो टाउन, वहाँ पर है मेरा इवेंट, तो अच्छे से ही मनाएंगे। ओके और क्या कुछ चल रहा है निजी लाइफ में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी मेरे शोज कंप्लीट हुए हैं, अभी 2019 में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं तो मज़ा आएगा मेरी आवाम को। और कुछ किसी सब्जेक्ट पे कोई आने वाली प्रोजेक्ट हो उसके जरूरत? अभी बता तो नहीं सकते, अगर बता देंगे तो ख़त्म हो जाता। चलो विश्व ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थोड़ा इधर से।
भैया वहाँ से मम्मी है फेम अच्छा है, यहाँ पे भी हम लोग भी है शेविंग करके आए रिफ्लेक्शन मारेगा। चलिए सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर, आज बच्चों को फेलोशिप किया गया है। देखिए इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बच्चों को अपने सेलेक्ट हुए हैं और जो बच्चे मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत के पीछे जो ऋषि सर का योगदान है और उनकी मेहनत है, उनको देख के ऐसे लगता है कि बच्चे आने वाले वक्त में बहुत आगे जाएंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। और उसका श्रेय जो ऋषि सर हैं उनको जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत इनके पीछे मेहनत ली है और उस मेहनत का फल जब ये बच्चे कुछ कर दिखाएंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, तब उनको लगेगा कि वाकई में हमारे बच्चों ने कुछ किया और ऋषि सर ने जो इनके पीछे मेहनत की, तब जाके उनको इसका श्रेय मिलेगा। बच्चे ज़रूर करेंगे, हमें पूरा पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे देखते हैं और जो बच्चे जिस तरीके से उसको कर रहे हैं और बच्चे खुश हैं, तो इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में बच्चे बहुत हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं हमारे बच्चों के साथ कि आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। अवार्ड जीता है तो भावुक पल था ये। जी 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 जी, मेरा पोता रेहान रोशन खान वो भी इस टीम में है, तो देख के खुशी तो होती है और लगता है कि मतलब वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत हम लोग खुश हैं। और इसी तरह से मतलब रोशन का जो लड़का है रेहान, वो अपना देश का नाम रोशन करे, अपने ऋषि सर का नाम रोशन करे, दादाजी का नाम रोशन करे। तो मैं दादाजी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी होती है जब बहुत 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 ही खुशी होती है। स्पेशली थैंक्स टू ऋषि सर और श्वेता मैम दोनों का बहुत ही। और एक मैं पंक्ति बच्चों के लिए बोलना चाहूँगी, इंसाफ की डगर पे बच्चे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। क्या बात है, थैंक यू। ऋषि भाई पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर? पहले तो सबको गणतंत्र दिवस की शुभेच्छा। और इन बच्चों ने जो रिकॉर्ड किया 22 दिसंबर 2018 को वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, और उस रिकॉर्ड को देखते हुए इंडिया स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इनको नामांकित किया है, उनकी बुक में इन 12 बच्चों का नाम आया है। और काफ़ी अच्छी तरह से ये बच्चे हर रोज़ एक नया सर्टिफिकेट्स नए मेडल के साथ ये स्टार मेरे चमक रहे हिंदुस्तान पे। एनीथिंग एल्स? जब मैंने आज से 6 महीने पहले इन बच्चों के साथ प्रैक्टिस चालू की तो सारे पेरेंट्स मेरे साथ थे और इन्होंने कहा था कि सर हो जाएगा, पर जब हम प्रैक्टिस करते थे तो हमको काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई, काफ़ी प्रॉब्लम्स आए। उस प्रॉब्लम्स को चलते चलते जब 22 दिसंबर का दिन आया और मुझे रिकॉर्ड करना था। ऐसा भी हुआ कि बच्चे थक चलते चलते थक के बैठ गए हों, नहीं कर रहे हों? नहीं, बच्चों ने तो इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि मैं 2 घंटे की प्रैक्टिस करवाता था, बच्चे यहाँ से 3 घंटे के बाद ही जाते थे। और ये जो सफ़र था मेरा 6 महीने का, इस सफ़र में मैंने कहीं पर अपनी चप्पलों को टाक दिया, मैं इन बच्चों को मंदिर लेके गया, हाजी अली, महालक्ष्मी टेम्पल, सिद्धि विनायक टेम्पल, भगवान से मन्नत मांगी कि इन बच्चों को सफलता दे। अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इन बच्चों के साथ मैं अपने नए जो प्रोजेक्ट के साथ आ रहा हूँ 4-5 महीनों के अंदर, और इन बच्चों के साथ मैं अगर करूँगा तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड करूँगा और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैब्लिश कर रहा हूँ आने वाले 5-6 महीनों में। बहुत खुशी हो रही है सर, हमारे पास तो कोई वर्ड्स ही नहीं है। बच्चों ने 22 दिसंबर को धमाल किया, एक कंपनी में तो नाम किया, आज इंडिया स्टार रिकॉर्ड ने भी हमारे बच्चों को सिलेक्ट किया, कोई वर्ड्स नहीं है हमारे पास, हमारी पूरी मेहनत ही सफल हो गई सर। थैंक यू।
एज ए पेरेंट्स क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के दिन जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, आज हमारे आंखों के तारे को आज स्टार इंडिया रिकॉर्ड मिला है, तो वी आर वेरी प्राउड और बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है और आज भी उस दिन के जैसा ही फीलिंग आ रहा है। वह ऐसे ही आंखें ऐसे अभी भी भर आ रही है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है वो जो जज्बा है वो। थैंक यू। कितना है ये भावुक पल आज ये बच्चों ने जो ये हासिल किया, कठिन परिश्रम है इसके पीछे, और खास करके ऋषि सर का भी परिश्रम है इसके पीछे जो बच्चों ने हासिल किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या देख रहे हैं ये ओवरऑल पूरे भविष्य क्या है इसका? भविष्य तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बच्चे और इसको आगे ले जाएंगे, नए नए रिकॉर्ड्स करेंगे और ऋषि सर का, उनके पेरेंट्स का, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का और सारे फैमिली मेम्बर और सबका नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम वेदांत तंजू प्रदीप गुप्ता है। और क्या जीता आपने, मेडल कौन सा जीता है? मैंने इंडिया स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेडल जीता। ओके, ऋषि सर को किस प्रकार से धन्यवाद करना चाहेंगे, थैंक्स करना चाहेंगे? थैंक यू बोल के। आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम कियान कविता मोहित शेख है। मैं ऋषि सर को बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि उनकी वजह से मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। क्या बात है। चलिए बताइए। मेरा नाम है रेहान खान एंड आई विश आई कैन मेक दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड। आई मेड 2 or 3 रिकॉर्ड इन दिस कंट्री। आई होप आई लिव दिस कंट्री। सो आई थैंक्स टू ऋषि सर। होप आई वेरी लव हिम। ये बड़ा होके वेरी नेता बनेगा, ये सच में नेता बनेगा। And I hope Rishi sir will be in my heart and for Jyoti Harun Khan and for Rishi sir, make my love. Thank you. Josh. मेरा नाम जश है और मैं सर को बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू क्योंकि उनने मुझे कोच किया और ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। I want to hug my Rishi sir. Go and hug. पक्का जाएगा।